पैगंबर पर बयान के बाद कतर में मुश्किल में भारतीय, स्थानीय लोगों से भी ज्यादा पॉपुलर भारतीयों की हेट स्पीच के बाद से निशाने पर। मैं भी गोवा का रहने वाला हूँ, पेशे से पत्रकार हूँ, लंबे समय से कतर की राजधानी दोहा में रह रहा हूँ। कतर एक छोटा देश है जिसकी आबादी 28 लाख के आसपास है, 3 लाख की आबादी ही स्थानीय लोगों की है, उससे अधिक भारतीय यहाँ रहते हैं। लगभग 7 से 8 लाख भारतीय कतर में रहते हैं, इनमें बिजनेसमैन, नौकरी करने वालों से लेकर श्रमिक तक शामिल हैं, जिनकी जड़ें आज भी भारत में किसी न किसी रूप में जुड़ी हैं। एक तरह से कतर में सबसे अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है, लेकिन जैसे ही भारत में कोई छोटा या बड़ा नेता हेट स्पीच देता है, किसी धर्म या समुदाय विशेष के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उसका सीधा असर कतर जैसे छोटे देश में रह रहे भारतीयों पर पड़ता है। यहाँ काम करने वाला हर व्यक्ति भारतीय खुद को दबाव में महसूस करने लगता है, वह चाहे हिंदू हो या सिख, मुस्लिम या ईसाई, देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए केवल एक धर्म होता है, वह भारतीय। वह खुद को भारत से जोड़ कर देखता है, लेकिन हेट स्पीच और आपत्तिजनक टिप्पणी से वह चाहकर भी खुद को अलग नहीं कर पाता। न चाहते हुए भी ऐसे हेट स्पीच के कारण उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।